नई तकनीक ने सोना उपजाया, उन्नत बीज से जादू है छाया, कम पानी में फसल लहराई, सुख समृद्धि ने ली अंगड़ाई, अब तो मुट्ठी में है आसमान, मुट्ठी में है आसमान, मुट्ठी में है आसमान। दोस्तों, आज देश के हर हिस्से में तमाम ऐसे संस्थान काम कर रहे हैं जो कृषि के क्षेत्र में नए नए अनुसंधानों को जन्म देने में जुटे हैं। इस कड़ी के दूसरे भाग में हम आपको लिए चलते हैं केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में। कपास का इतिहास हमारी प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृति के साथ में जुड़ा हुआ है। देश में सफेद सोने के नाम से विख्यात कपास वैश्विक महत्व की प्रमुख रेशे वाली फसल है। विश्व के प्रमुख कपास उत्पादक देशों में चीन, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्की, ब्राजील, ग्रीस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और मिस्र शामिल हैं। भारत में कपास की चार प्रजातियों के साथ साथ विभिन्न संयोजनों के संकर की व्यापक रूप से खेती की जाती है। 2015-2016 में भारत में कपास की खेती का क्षेत्र 118.81 लाख हेक्टेयर था। भारत के प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल हैं। कपास उत्पादन को बढ़ाने और उत्पादन संबंधी समस्याओं पर दीर्घकालीन अनुसंधान तथा देश में कपास अनुसंधान को आधारभूत सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान की स्थापना अप्रैल 1976 में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के नागपुर शहर में हुई। संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कोयंबटूर दक्षिणी क्षेत्र को सिंचित व बारानी परिस्थितियों तथा क्षेत्रीय केंद्र सिरसा देश के पूर्णतः सिंचित उत्तरी कपास क्षेत्र के लिए कपास अनुसंधान में कार्यरत है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान CICR का मुख्य उद्देश्य कपास उत्पादन क्षेत्रों में किस्मों के विकास, कपास की खेती के उत्पादन, उत्पादकता तथा लाभप्रदता को बढ़ाना है। संस्थान की उपलब्धियां बहुत शानदार रही हैं। ये सफलता सिर्फ किस्मों और संकर के बारे में नहीं, बल्कि ये तकनीकों के बारे में है। हमारे यहाँ BT के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की सभी किस्में हैं, जिसमें 10 गुना अधिक पौध क्षमता है और उपज भी बहुत शानदार है। जैविक और शून्य बजट खेती की तरह रसायन मुक्त खेती की ओर बढ़ने के लिए ये देसी किस्में देश के लिए सही जवाब प्रदान करेंगी। संस्थान ने विभिन्न सस्य जलवायु के अनुकूल उच्च उपज क्षमता वाली कपास की किस्मों और संकर को देश के विभिन्न क्षेत्रों में वाणिज्यिक खेती के लिए विमोचित किया है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देसी कपास की स्थल उपजातियों और बहुवर्षीया कपास का संग्रह और संरक्षण किया जा रहा है, ताकि भावी प्रजनन कार्यक्रमों में दाता पैतृकों के रूप में बेहतर जीन प्रारूपों की पहचान की जा सके। जीन बैंक में कपास की चार कृषित जातियों की 11,188 जनन द्रव्य वंशावलियों के संग्रह का संरक्षण किया जा रहा है। संस्थान ने अपने जंगली प्रजातियों के बागीचे में कपास की 26 जातियों को स्थापित किया है। फसल सुधार विभाग किस्मों के सुधार के लिए लगा हुआ है। संस्थान में हमने सबसे बड़े जर्म प्लाज्म बनाए हुए हैं। इसके अलावा हम विशिष्ट गुणों के सुधार के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ये सारे गुण हम एक ही किस्म में डालने की कोशिश कर रहे हैं और किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बारानी क्षेत्र की उथली मृदाओं में कपास की अधिक पैदावार लेने के लिए सघन रोपण तकनीक कई राज्यों में कपास उत्पादन में क्रांति ला रही है। इस तकनीक में किस्मों को 60x60 सेंटीमीटर या 45x10 सेंटीमीटर की दूरी पर खेती करने से एक हेक्टेयर में 1.5 लाख से 2 लाख पौध संख्या होती है। इस प्रणाली ने कई राज्यों में कपास उत्पादन में क्रांति ला दी है।
जहां उत्पादकता का स्तर काफी बढ़ गया है और किसानों की प्रति क्विंटल उत्पादन की लागत में कमी आई है। मृदा में नमी के ह्रास को रोकने के लिए दलहनी फसलों को अंतः फसल के रूप में लगाने के, मृदा की उर्वरता में सुधार, कार्बनिक पलवार में नमी संरक्षण और खरपतवार का नियंत्रण प्रभावी ढंग से होता है। कपास आमतौर पर व्यापक पंक्ति रिक्त फसल है। फलियों के अंतर फसल से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के साथ मृदा पलवार तो होता ही है और किसानों को अतिरिक्त आय भी मिलती है। संस्थान ने कई पारजीनी इवेंट का विकास किया है जिसमें देसी बीटी कपास भी शामिल है। उत्तक संवर्धन और उन्नत आणविक तकनीकों के माध्यम से प्रयोगशाला में कपास की उन्नत पौध तैयार की है। हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च में चल रहा है, जिसका मेन उद्देश्य है कि बीटी कॉटन वैरायटीज बनाना, ताकि किसानों को ये वैरायटीज उपलब्ध हो कम दाम में और ये किसान हर साल, मतलब वो बीज कलेक्ट करें और हर साल बिना मार्केट में जाके वही बीज वो हर साल वो अपने खेत में कल्टीवेट कर सकते हैं। कपास की फसल अंकुरण से लेकर परिपक्व अवस्था तक अनेक प्रकार के कीट जैसे बॉल वर्म, जैसिड, एफिड, थ्रिप्स, सफेद मक्खी और मकड़ी आदि का प्रकोप होता है। कपास की फसल में कारगर कीट प्रबंधन के लिए कीटनाशक प्रतिरोधकता प्रबंधन रणनीति का विकास किया गया है। हमने चार किट विकसित की हैं जिनका व्यवसायीकरण किया गया है। 5 देशों में इसे पेटेंट किया गया है और संस्थान के लिए पर्याप्त राजस्व अर्जित करता है। इसके अलावा जैव परख के लिए पेट जहर का उपयोग कर रस चूसक कीटों के आहार को विकसित किया है। हमने ये भी पहचान की है कि मिल्ली बग वास्तव में विदेशी कीट है और प्रबंधन रणनीति विकसित कर इसे किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। संस्था ने कई उपकरण विकसित किए हैं। बारानी क्षेत्र की काली मृदा में कपास की बुआई के लिए बैल चालित वर्टिकल रोटर मशीन का विकास किया गया। फसलों पर कीटनाशकों, सूक्ष्म पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए एक उत्कृष्ट सौर ऊर्जा प्रचलित नैपसैक छिड़काव यंत्र विकसित किया गया। पिछले कुछ वर्षों में अपने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक योगदान के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये एक अग्रणी संस्था के रूप में उभरी है, जिससे सार्वजनिक व निजी भागीदारी के माध्यम से कपास उत्पादन के क्षेत्र में आशातीत वृद्धि हुई है। कपास उत्पादन में भारत अग्रणी देश बनने की कगार पर है। सामूहिक रूप से भारतीय कृषक समुदाय कपास उत्पादन के सभी पहलुओं पर ध्यान देकर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं।